बोलो बोलो। अभी आपने जो बोला कि विश्व पिता के साथ कौन बच्चे होंगे, तो ये अष्ट रतन तो होंगे ना? अष्ट रतन बात अलग, रतन में तो हीरे हीरे नहीं होते हैं सब, और ये तो सब हीरो पार्ट धारी है। आठों ही हीरो कौन है? हीरो का है 500 करोड़ जो पार्टधारी हैं सत्य रूपी रंगमंच पर, उसमें हीरो एक ही होगा कि सारे ही होंगे? फिर आठ कहाँ है? बाप समान हीरो होना चाहिए ना। हीरा माने क्या? अगर आठों हीरा हैं, मोती माणिक नहीं है, मूंगा नहीं है, नीलम नहीं है, हीरा है, तो हीरो होना चाहिए ना। हीरा माने हीरो, हीरा एक ही है, हीरा एक ही है। फिर आठ क्यों बताए कि आठ और हीरा हैं, मोती माणिक मूंगा उनकी कीमत कम हो जाएगी या हीरे की समान कीमत रहेगी? कम हो जाएगी, वो तो कीमत ही कम हो जाएगी। तो हीरो कहाँ है आठ? अरे कोई कोई धर्म के पूर्वज हैं कि नहीं, तो उन धर्मों के लोग उनको अपने धर्म में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला मानेंगे, पूर्व में जन्म लेने वाला। हमारा पूर्वज कौन, उनके धर्म का पूर्वज कौन, तो वो है पूर्वज। ये आठों ही अपने अपने धर्म के, अपने अपने धर्म खंड के क्या हो गए? पूर्वज। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में आठ दिग्पाल गए हुए हैं। क्या? आठ दिशाओं को पालन करने वाले आठ दिग्पाल। दिग माने दिशाएं। बाबा एक मुरली में आया है, ईश्वर का अंत पाना, ईश्वर का अंत पाया जा सकता है लेकिन परंतु उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है, इसका मतलब क्या है? उनकी रचना कौन है पहली? प्रजापिता रचना है। फिर रचयिता कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा रचना है। दादा लिखना ब्रह्मा रचना है, जो पहला पत्ता है सृष्टि का वो रचयिता है, रचना है। पहला पत्ता तो रचना है, फिर उसका बाप कौन? रचयिता। कौन? प्रजापिता। कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। शिव बाबा रचयिता कहे हैं? शिव आत्मा का नाम लेंगे तो शिव जो है वो रचयिता है, रचना साकार में होती है या निराकार में होती है? साकार में रचना होती है और रचयिता भी साकार में होता है। तो शिव तो न रचना है न रचयिता है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो रचयिता है। फिर उसकी रचना कौन? कृष्ण बच्चा। बच्चा पहले रचना होता है या पत्नी पहले रचना होती है? पहली रचना कौन होती है? पत्नी रचना होती है। तो आपने तो ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट कर दिया है? कौन है भाई का प्रश्न क्या है, समझ लिया? इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ एक बार रिपीट कर दो। ईश्वर का अंत पाया जा सकता है लेकिन उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। अब बाबा ने तो हमें रचयिता और रचना दोनों का अंत बता दिया। फर्स्ट क्लास रचना है कृष्ण, रचयिता है बाप प्रजापिता, दोनों की 84 जन्मों की कथा नहीं बता दी? बताई। तो अंत पाया कि नहीं पाया? लेकिन उनमें से ऐसा कौन है जिसका अंत नहीं पाया जा सकता है?
जगत माता। हाँ, जो जगदम्बा है उसका अंत कोई ने नहीं पाया, वो बाप को ही आके बताना पड़ता है। और परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का नाश किया। हाँ, क्या हद बेहद का हद। राम, ऐसा राम जिसके पास हथियार कौन सा है? परशुराम कह दिया है राम, वास्तव में है स्पर्श। ऐसा कोई देवता पूजा जाता है नेपाल में? तो खास यादगार है उसकी, भारत में स्पर्श किया और कल्याण हो गया। लोहे को स्पर्श किया और सोना बन गया। वास्तव में ऐसा कोई पारसमणि होती नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की बात है। ऐसा भी टाइम आएगा, अभी तो हम इतना माथा मारते हैं कन्वर्ट होते ही नहीं, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि उनको आंख से देखेंगे और मुख से दो शब्द सुनेंगे और चेंज हो जाएंगे। जो अज्ञातवाणी में बोला, जो देखे जो सुने, आंखों से देखे बाप को और जो सुने वो कहेंगे बाप आ गया। तो ये बाप का ही गायन है। बाप तो सारी सृष्टि का बीज है, बाप में तो हर पार्ट धारी समाया हुआ है, हर पत्ता बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। गीता में भी क्या बोला, नाम तेसु ते मैं उनमें नहीं हूं, सारे वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में मैं नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। ना अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मेरे में। तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ। तो बाप की तो बात छोड़ दो, वो तो है ही पार्श्वनाथ, लेकिन बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं और उनमें कोई अव्वल नंबर बच्चा भी होगा। क्या वो पार्ट बजाएगा? और दादा, ब्रह्मा को विष्णु के कमल के कमल फूल में पैदा हुए ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। ब्रह्मा को विष्णु को नाभि के कमल के टांच में को कमल के फूल में आप ब्रह्मा को पैदा हुआ। आप नेपाली भाषा में बोलिए। विष्णु को नेपाली भाषा में बोलिए, ये अनुवाद करके बताइए। नेपाली में बोलो दादा। विष्णु को नाभि को कमल में ब्रह्मा को पैदा हुआ। बिहार में क्यों ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो नहीं बता रहे हैं। कमल नाभि कमल बता रहे हैं, कमल लाल बता रहे हैं। ब्रह्मा के दिखलाया फोटो में ना, ब्रह्मा के नाभि से कमल निकलता है और कमल पर विष्णु बैठे हैं। वो भी नहीं बता रहे हैं। वही आप अपनी बात पूरी बोलिए नेपाली में। विष्णु को नाभि, विष्णु को नाभि कमल में ब्रह्मा को पैदा हुआ। हाँ, ब्रह्मा पैदा हुआ, ब्रह्मा पैदा हुआ। हाँ, ये बेहद में क्या है? अच्छा, ये तो मुरली में बता दिया है, क्लैरिफिकेशन आ चुका है कई बार, लेकिन अब पूछ रहे हैं तो फिर बता देते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये कब की बात है? अभी के तो बताओ। आज ही एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, एक सेकंड वो हो गया कि होने वाला है कि हो रहा है? होने वाला है। तो जब होने वाली जो चीज है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो
तो जो पता ही नहीं वो तो हम समझा नहीं सकेंगे। नहीं, एक नियम है जो आदि में तो अंत में। भगवान बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं संसार में 500 करोड़ की दुनिया के बीच में, जो देखे जो सुने वो कहे बाप आ गया, उस समय तीसरी मूर्ति विष्णु की प्रत्यक्ष होगी संसार में या नहीं? विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो वो नई दुनिया की शुरुआत होगी या नहीं? जब विष्णु की प्रत्यक्षता हो गई तो नई दुनिया में पालने वाला तो चाहिए, नई दुनिया की पालन करने वाला कौन? विष्णु। तो आदि में विष्णु है या नहीं है? एकदम सृष्टि के आदि में कौन? विष्णु। तो अंत में भी? कब? अंत कब? आदि में सो अंत में। तो आदि में विष्णु स्वरूप था माने लक्ष्मी नारायण थे दुनिया को पालन करने वाले, विश्व को पालन करने वाले थे, नई दुनिया को भी पालन करने वाले थे। तो दुनिया का अंत कब होता है? अरे कभी होता है कि नहीं अंत? कली के अंत में। कब? सज्जू का शुरुआत होता है और कली का अंत होता है। कब? संगम युग। संगम युग में भी कब? संगम तो 100 साल का है। छत्तीस के बाद जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो तीरी पर बहिष्ठ लाते हैं। बाप क्या कहते हैं? मैं आते ही तुम बच्चों के सामने हथेली पर तीरी पर बहिष्ठ नई दुनिया की सौगात लाता हूँ, लो दो। आते हैं तो नई दुनिया की सौगात सामने आ जाती है ना बच्चों के, आती है ना। तो जब नई दुनिया आती है, शिव बाप आते हैं तीरी पर बहिष्ठ लाते हैं, तो नई दुनिया में विष्णु भी होगा या नहीं होगा? है वो कौन वो बताओ? प्रैक्टिकल में होगा या ऐसे ही हवा में बात उड़ाने की बोल दी? प्रैक्टिकल में। कौन है? अकेले को विष्णु कहा जाता है? हाँ, कंबाइंड स्वरूप का मतलब क्या? दो आत्माओं का मिला हुआ रूप के एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा कौन युगल था जिसके स्वभाव संस्कारों का मिलन देखने में आता हो? छोटी मम्मी और प्रजापिता। कोई था या नहीं था दुनिया? प्रजापिता और वैष्णवी, दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए थे। तो आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु, माना सन 36 में वो एक युगल था जिसके संस्कार आपस में मिले हुए थे। तो उसके बाद विष्णु की नाभि से ज्ञान कमल की नाल निकली, लंबी लंबी नाल निकलती है ना, तो नाल जब निकली तो फिर उस विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? कब प्रत्यक्ष हुआ ब्रह्मा? संक्षिप्त में तो किसी ने जाना ही नहीं कि प्रजापिता कौन होता है, ब्रह्मा कौन होता है, किसी ने जाना? जाना नहीं था। तो अभी तो समझ में आ रहा है कि विष्णु रूप में कोई संस्कार मिलाने वाले कोई युगल थे, लेकिन उनसे सिर्फ ब्रह्मा का संसार में प्रत्यक्ष हुआ या ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ? 51 के बाद में हुआ। 51 के बाद है? नहीं, बाबा ने जो बोला है वो बात ये है कि कराची से मुरली निकलती चली आ रही है। कहाँ से? कराची से मुरली निकलती चली आ रही है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे क्या? पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा जो हैं वो लिखते थे और बाप लिखाते थे।
चलो पीयू लिखाता हो, जिन माताओं में प्रवेश करते थे वो लिखाती हो, लेकिन लिखाने वाला कौन था? शिव बाप। और लिखने वाला कौन था? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा, बाबा ब्रह्मा बाबा 2 बजे बैठ के लिखते थे। फिर जो लिखते थे उसका क्लास होता था और उस क्लास में वो लिखा हुआ पढ़ के सुनाते थे। ऐसा मुरली में आया है। बाद में क्या हुआ? बाद में ऐसे ही चलता रहा? 47 से मुरली निकली। हाँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश हो करके कराची से मुरली चलाना शुरू किया। तो बिना ब्रह्मा के शुरू किया? नहीं। माने ब्रह्मा था। कौन था ब्रह्मा? वो ब्रह्मा कौन सा प्रत्यक्ष हुआ? जिसने अव्वल नंबर ब्रह्मा रूपी रचना का पार्ट बजाया। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। लेकिन अव्वल नंबर ब्रह्मा है या द्वयम टाइम चौथा पांचवा नंबर का ब्रह्मा है? अव्वल नंबर का ब्रह्मा है। वो कौन? प्रजापिता। वो तो पिता ही हो गया। दादा लेखराज अव्वल नंबर का ब्रह्मा हुआ। तो 10 साल के बाद, सन 36 के 10 साल के बाद, सन 47 हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने पर खून की नदियां बही और जो 7 तालों के अंदर जो कन्याएं माताएं बंद कर दी गई थी, ओम मंडली के सत्संग होने के बाद वो कन्याएं माताएं सब स्वच्छंद हो गई और भागी तो सीधी कराची पहुंची। सैकड़ों की तादाद में जो कन्याएं माताएं जो बिछड़ी हुई थी वो सारी इकट्ठी ब्रह्मा बाबा के सामने हो गई। तो ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ेगा या उतर जाएगा? चढ़ेगा। क्या होगा? चढ़ेगा। क्यों? नशा उतर नहीं जाएगा इनके। इसीलिए जैसे बारात इकट्ठी हो गई इनको कहाँ से खिलाएंगे? नशा उतरेगा नहीं? हाँ, ये शक्तियां हैं। घर में बच्चियां भी पैदा होती हैं तो भी लोग खुश होते हैं भी दुखी होते हैं? जो सच्चे माँ बाप होते हैं खुश होते हैं। बच्ची आई धन संपत्ति उसके पीछे पीछे अपने आप आएगी। क्या समझते हैं? घर में कन्या ने जन्म नहीं लिया, कौन आई? लक्ष्मी आई। तो यहाँ तो बाबा के घर में इतनी ही कन्या माताएं आ गई, बाबा का नशा एकदम चढ़ गया। नशा चढ़ गया तो शिवबा अपने प्रवेश कर दिया। ब्रह्मा नाम पड़ गया। मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा पड़ेगा। तो विष्णु की नाभि से कौन निकला? बोलो, 47 में कौन निकला? पहले का मुरली मेरे ने तो नहीं सुना। अब आपको सब मुरली सुनाएंगे तब आप मानेंगे? मुरली में है, मुरली में है सारी मुरली। आपको फिर दोबारा सुनाई तभी मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। ये सब कह रहे हैं। अभी अभी आया हूँ ना, अभी अभी आया हूँ। ज्ञान में भी ज्ञान में है, ज्ञान में एडवांस में भी आए, बेसिक में तो थे पहले। तीन साल थे ना, तो 3 साल में तो कितनी मुरलियाँ सुनी जाती हैं? बहुत सारी मुरलियाँ सुनी जाती हैं। कितनी ढेर सारी मुरलियों बोला। और आपने मुरली सुनी नहीं होती तो प्रश्न कहाँ से करते? मुरली सुनी है तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। तो सन 36 में जो विष्णु था उस विष्णु की कमलनाल से निकला 10 साल के बाद फिर ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो गया। तो विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा। 47 में फिर 47 में वो ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने वाणी चलाना शुरू कर दी। 47 से लेकर के और 76 तक वाणी चलती रही। क्या? 47, 57, 67 और 76, 77। कितने साल? 30 साल। 30 साल के बाद बाबा ने 65 में ही घोषणा कर दी थी,
लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से दस वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। वो तो बाबा ने घोषणा कर दी, हुआ थोड़ा ही। सन 66 में घोषणा की थी या प्रैक्टिकल हुआ? घोषणा की, हुआ थोड़ा ही। हुआ प्रैक्टिकल में कब? 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म हुआ माने प्रत्यक्ष हुए। एडवांस पार्टी वालों की बुद्धि में बैठ गया कि नारायण वाली आत्मा और लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा, ये दोनों आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है, ये एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों को पता चल गया। तो प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? तो सन 47 में जो ब्रह्मा निकला, उस ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकला। 76 में विष्णु निकला कि नहीं निकला? निकला। तो दोनों बातें साबित हो गई। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, फिर विष्णु निकला। ये चक्कर चलता ही रहता है। और भाई को समझाना बाद में, प्रश्नचित्र हो करके देख रहा है। इन लोगों से डिटेल में चर्चा करना तो बताएं। आपको समझ नहीं आया? आ गया। चलो आप कहते तो मान लेते हैं। अच्छा हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाप को शरण में कौन आ सकते है? बाप को शरण में कौन आ सकते है? बाप शरण किसको देते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप को शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? दुश्मनों को। शरण में कौन आता है? बच्चा आता है। बच्चा आता है शरण में? अरे शरण में कौन आता है? जो रावण की शरण में जो पड़े हुए हैं, रावण जिनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, रावण जिनको दुख दे रहा है, वो दुखी होने के बाद किसकी शरण में जाते हैं? राम की शरण में जाते हैं। तो शरण में आने वाले दुश्मन हुए या बच्चे या दोस्त हुए? दुश्मन हुए बैठ। अरे मन हमारे कहने से मान लिया, बैठ गए, दिल में नहीं बैठी बात है? बैठो नहीं बैठो, हम तो ये कहा बैठो, हम तो ये कहा जब समझ जाओ तब बैठो, खड़े हो जाओ। समझ में नहीं आया तो खड़े होकर दोबारा प्रश्न करो। जब तक समझ में ना आए तब तक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए ना। हाँ बोलो। मुरली में बोला था, मुरली में भनेको थियो बाबा यो तत्कालीन मैले बुझ्न नसकेर बाबालाई अनुरोध गरे। बोलने में समझ में नहीं आया इसलिए बाबा से पूछ रहा। हाँ बाबा ने पूछा है कि बाप की शरण में कौन आते हैं? शरण में आने वाले दोस्त नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे बाप की शरण में नहीं आते। कौन आते हैं? जो रावण संप्रदाय है, दुश्मन के संप्रदाय के हैं, वो बाप की शरण में आते हैं। तो फिर सरेंडर होना तो बहुत खराब बात, शरण में आना तो बहुत खराब बात हो गई है। खराब बात हुई, अच्छी बात हुई? भक्ति मार्ग में कहावत है ना, भगवान के शरण में चले जाओ, इसी बात को लेके बोले हुए हैं। हाँ भक्ति मार्ग में बोलते हैं तो, भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं मुझे अपनी शरण में ले लो राम, तो ले लो राम। इसका मतलब हम रावण की शरण में थे ना, अभी तक रावण के अंडर भी कंट्रोल थे ना, तो दुश्मन हुए या दोस्त हुए? दुश्मन हुए। नई बात क्या है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय हो जाती है तभी बाप आते हैं या दोस्त होती है? शिव बाबा की सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहती जो सर्वव्यापी बाप को न माने। सब क्या समझते हैं? सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी। तो गाली देते हैं या गायन करते हैं? सब गाली देते हैं। सारी दुनिया दोस्त है भगवान की या दुश्मन है? दुश्मन बन जाती। समझ आई बात? ठीक है।
दादा सूर्य से सिर्फ रोशनी मिलती है यार, और कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं मिलता सिर्फ रोशनी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जीवन नहीं मिलता सूर्य से, जीवन सूर्य से मिलता है। तुम्हें जीवन ही मिल गया तो और क्या चाहिए, सूर्य ना हो तो मुर्दा हो जाएगा शरीर। सारा कार्य व्यवहार दुनिया को रुक जाएगा अगर अगर सूर्य की ऊर्जा न मिले। एनर्जी से तो हम जीवित हैं सूर्य की। लोग कहे कोई कि बिजली से रोशनी मिलती है और क्या मिलता है, अरे बिजली आज कितना काम दे रही है, रोटी दे रही लोग सिर्फ रोशनी मिलती है। क्या क्या कितने कल कारखाने चल रहे हैं वो सारे ही अगर बंद हो जाए तो खत्म, ये ट्रेनें अगर सब बंद हो जाए तो लोग घूमने लगेंगे। वो तो ऊर्जा है, ज्ञान जो है ना वो हमारे जीवन का जीव दान है, जीवन दान वो हमें सूर्य से मिलता है। ये है बेहद का सूर्य, भगवान आके और क्या देता है। अरे भगवान जब ऊपर से आता है इस सृष्टि पर, लड्डू पेड़ा लाता है खाने के लिए क्या है, प्रॉपर्टी लाता है क्या, धन संपत्ति लाता है नहीं, क्या लाता है, ज्ञान की ऊर्जा देता है, कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान की रोशनी कोई वैल्यू नहीं। कहते तुम ऐसे ही रहे, सूर्य से क्या मिलता है, सिर्फ रोशनी तो मिलती है और तो कुछ नहीं मिलता, उसमें ही तो सब कुछ भरा हुआ है। लेफ्ट साइड से ही ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, राइट साइड से प्रश्न नहीं आ रहे, क्या बात है भाइयों को माताओं ने लेफ्टिस्ट बना दिया। दूसरा जी कैसा है मेरा है? दूसरा जी कैसा है, शास्त्रों में लिखा है तो द्रौपदी का पांच पति है, तो द्रौपदी कौन है, पांच पति कौन है बिहार में? अभी वर्तमान में ब्राह्मणों की दुनिया में जो गायन है शास्त्रों में कि द्रौपदी को पांच पति थे, पति माने रक्षा करने वाले, तो ब्राह्मण की दुनिया में कोई कहेगा कि हम द्रौपदी हैं, पांच पतियों वाली द्रौपदी हम हैं, कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, करेगा पांच पतियों वाली, फिर पूछेंगे लोग कौन है पांच पति, बताओ कालू के पांच पति को, अरे कालू के पांच पति को, ये कोई पति नहीं, पति से बच्चे भी पैदा होते हैं, फिर पूछेंगे कितने बच्चे पैदा हुए, द्रौपदी को बच्चे पैदा हुए थे कि नहीं, हाँ फिर अच्छा एक माता ने कहा कि हम मानेंगे हम द्रौपदी हैं, और किसी ने कहा ही नहीं हम द्रौपदी हैं। अब शिव बाबा क्या कहते हैं, तुम सब द्रौपदी हैं, ये क्या बात होगी, शिव बाबा एक बात कहते हैं और बच्चे दूसरी बात कहते हैं, ऐसे क्यों है? अच्छा शिव बाबा कहते हैं सबको मानना चाहिए ना, हाँ हम द्रौपदी हैं, हमारा पार्ट है द्रौपदी का, विजय पाया है, हम लोगों ने विजय पाया इसलिए द्रौपदी है ना, द्रौपदी इसलिए है उनका ध्रुव पद है, क्या ध्रुव माने निश्चित है उनका पद, इसलिए नाम द्रौपदी पड़ा, बिगड़ करके द्रौपदी हो गया। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां हो,
तुम्हारा पद निश्चित है। दुनिया भले कहे, नैया डोलेगी, हिलेगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी। बाप क्या कहते हैं? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया में खास करके माताएं ज्यादा गड्ढे में डाली जा रही हैं, या कन्याएं, कुमार, अदर कुमार ज्यादा गड्ढे में डाले जा रहे हैं। ज्यादा दुर्गति किसकी हो रही है? माताओं की ज्यादा दुर्गति होती है। कन्याओं को तो फिर भी भगवान उठा ले रहा है, चलो तुम्हारी रक्षा हम कर देंगे। उनको तो कन्याओं को तो कन्हैया मिल जाता है। माताएं तो बंधन में फंसी हुई है, एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर माताएं छोड़ छाड़ के चल दें तो पति पीछे से पुलिस लेके आ जाएगा, हथकड़ी लगवा देगा। कहां बैठ गई आके? किसने बैठाया तुमको? हथकड़ी डलवाएगा ना। तो माताएं जो है बंधन में है, इसलिए कन्याएं ढेर की ढेर निकल पड़ती है, क्योंकि स्वतंत्र है। और माताएं माताएं बंधन में निकलती है। तो जिनको बिल्कुल नीचे गिरा दिया, उनका पद निश्चित करने के लिए भगवान आ जाता है कि तुम्हारा ऊंच पद है, तुम्हारा नीचा पद नहीं है। विश्वास दिलाता है कुछ भी हो जाए तुमको ऊंच पद पाना है। शिव शक्तियां हो तो द्रौपदी का नाम आता है। भाई का प्रश्न ये है कि द्रौपदी के पांच पति कैसे हैं? ये दुनिया पतित दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, व्यभिचारी दुनिया है कि अव्यभिचारी दुनिया है? किसी से आंख लड़ गई और वो बार बार याद आता है तो कौन हुआ? कौन हुआ? अरे पति हुआ कि नहीं हुआ? ये तो अंदर की बात है, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए। क्या कि पांच पति कैसे? चाहे वो ब्रह्मा कुमारियां हो, चाहे दुनिया की माताएं हो, ये भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित बनाने वाले ढेर के ढेर हैं। बाबा ने तो सिर्फ पांच पति की ही बात बोली है, ये पोता मिल की बात है। ये प्रश्न पूछना माना? क्या पूछ रहे हैं हम? पोता मेल पूछ रहे हैं माता का। पोता मेल लेने का हक सिर्फ शिव बाबा का है, और तो कोई पूछ भी नहीं सकता। ये संत से पूछ लो, ये असल से बेसिक और एडवांस बोलने में होता है। बेसिक ज्ञान जब एडवांस ज्ञान अब मैं तो समझ गया, बेसिक वाला अंडरस्टैंड है। मैं तो अभी आ रहा हूँ ज्ञान में, आया बहुत थोड़ा दिन हुआ है। मुरली पढ़ के हमको मालूम हो गया बेसिक को ज्ञान जल बोला जाता है। बेसिक को ज्ञान चल पड़ा है, ज्ञान जल बोला जाता है। बेसिक में ज्ञान जल बोला जाता है। बेसिक ज्ञान जल शरीर चलाने के लिए जल चाहिए और अमृत, एडवांस ज्ञान अमृत। एडवांस ज्ञान जो है वो मनन चिंतन मंथन किया जाता है ब्रह्मा के द्वारा। शिव ने जो बोला वो ब्रह्मा बाबा ने जैसे सुना शिव बाबा से, उतनी बात मान ली। इसके अलावा कुछ मनन चिंतन मंथन नहीं किया, तो वो दूध का दूध ही रह गया, मक्खन नहीं निकला। इसलिए मुरली में बोला है कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो है लेकिन इसको अमृत नहीं कहेंगे। फिर जब एडवांस निकलता है
तब कहा जाता है अमृत, मंथन होने का अमृत निकलता है। तो अमृत निकालने के जो निमित्त बनता है पहला पहला वो अमरनाथ कहा जाता है। क्या? वो अमरनाथ कहा जाता है। तो ये अंतर है, वहां मनन चिंतन मंथन नहीं करते और यहाँ मनन चिंतन मंथन करते हैं। आपका खास प्रश्न क्या है? वही, ये दोनों अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा है वो लोग? दोनों किसी को तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोनों की बात आपने क्यों? नहीं, 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 वो कर रहे हैं जो अमृत तो चाहिए ना, अमृत पीने की कोशिश वो लोग क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मेरा संशय इनका कहने का मतलब है बाबा कि जैसे कि एडवांस में तो मंथन हो रही है, अमृत निकल रही है, तो लोग क्यों नहीं मान रहा है इस बात? अमृत पीने के जल और अमृत देखो शास्त्रों में कथाएं आई हुई है, कथाएं आई है ना असुर और देवताएं, तो लालायत देवताएं होते हैं अमृत पीने के लिए या असुर लालायत होते हैं? जब परीक्षा ली गई विष्णु वैष्णो देवी ने मोहिनी रूप धारण करके, तो कौन अमृत के प्यासे निकले और कौन विष के प्यासे निकले? देवताएं अमृत के प्यासे निकले, उन्हें तो अमृत चाहिए, और जो असुर थे वो मोहिनी के पीछे पड़ गए। साबित हो गया ना, तो या तो विष मिलेगा या तो अमृत मिलेगा। अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान नहीं सुनते हैं, ज्ञान में रुचि नहीं है, ब्रह्मा बाबा का मोहरा देख रहे हैं बड़ा सुंदर है, वो रहा चिट्ठा लंबा चौड़ा है, गोद में खेलेंगे, तो कुखवंशावली बनेंगे या मुखवंशावली बनेंगे? तो कुख माने गोद के वंशावली बन गए। मुख से जो भगवान का ज्ञान निकला वो तो कान पे तुमने धरा ही नहीं, जीवन में धारण ही नहीं किया। तो जो कुख वंशावली है उनको देह से प्यार होता है। आज के जो बेसिक में चलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो एडवांस नहीं सुनना चाहते हैं, अभी ब्रह्मा तो नहीं है, ब्रह्मा है अभी ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो उनसे उनकी प्रीति लग जाती है, मानते नहीं। तो जब देहधारियों से प्रीति लग गई तो कुख वंशावली ब्राह्मण हुए या मुख वंशावली हुए? तो या तो विषय वासनाओं से प्रीति होगी या तो भगवान के ज्ञान से प्रीति होगी। ऐसे थोड़े हो सकता है कि कोई ज्ञान से भी प्रीति करता रहे और फिर विषय वासनाओं में भी फंसा रहे, दोनों काम कैसे होंगे? नहीं समझ में आया? नहीं, वो तो हम तो समझ गए। हाँ, तो उनको भी समझ, उनको भी समझा जो समझ गए वो वो हो गया। दूसरा गीता के, हाँ गीता क्या, गीता के दूसरा प्रश्न क्या, गीता गीता संबंधी, हाँ बाबा के टाइम में बोला हुआ है, हाँ गीता लेखराज और कृष्ण का गीता, किसने की गीता? नर्क पहुंचाने वाला, नर्क बनाने वाली, हाँ तो बना रही है ना, तो ज्ञान नहीं सुनना चाहते तो क्या बनेगा फिर? नर्क ही बनेगा। जो ज्ञान सुनना चाहते हैं, ज्ञान पर चलना चाहते हैं, मानते हैं ज्ञान की बातों को, दूसरों को ज्ञान का संदेश देते हैं, वो भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान की पहचान देते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे या जो भगवान के ज्ञान से कोसों दूर भागते हैं, कान में उंगली दे लेते हैं, न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं जाएंगे। वो तो गीता से नरक बना, वो आप देख नहीं रहे हैं, फिर नरक बनता है या स्वर्ग बनता है? वही जो शिवों की गीता कृष्ण गीता में वो नरक बनाए वो स्वर्ग बनाने वाला, मेरा पूछने का उतने बड़ा आत्मा होकर कौन देख रहा है? बड़ा आत्मा रावण बड़ा आत्मा था, छोटा आत्मा रावण तो बड़ा भी आत्मा, रावण बड़ा हुआ पुण्य आत्मा होते हुए भी रावण ब्राह्मण था या शूद्र था? ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण नहीं था? अरे भगवान राम ने उसको बुलाया था, आओ हमारे यज्ञ का हमारा पुरोहित बनो, हम तुम्हारे पांव छुएंगे। बड़ा आदमी था, छोटा आदमी था? बड़ा। अरे सर बुझलाने लगे, हम समझ रहे हैं
जो आप समझ रहे हैं सो ही उनको समझाओ ना। आप समझ रहे हैं, समझ होते हुए भी फिर प्रश्न कर रहे हैं। मुरली मुरली में तो जवाब भी दे दिया है, हम तो दे दिया उसका। तो यहाँ प्रश्न करने की क्या दरकार? नहीं से बाबा से थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर ठीक है बाबा। इसलिए शास्त्रों में वेद में एक ऋचा आई है, रावण और ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा कौन? रावण। इसलिए कोई पूजा नहीं, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं बनाए जाते, कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती। अब ये बात अगर उनके सामने बोल दो सीधी सीधी और चल बैठे झगड़ा करना तो शुरू कर देंगे। राज माता तो मुंह पे उंगली रख कर क्या कह दिया, उल्टे को पलटा, पलटे को उल्टा बना दिया, दुनिया उलट दी। सागर मंथन करने करते वक्त में अमृत बांटते थे, फिर एक डोंके इधर आ करके वो अमृत पान किए, एक बैठे रहे। राहुल ऐसे यहाँ फिर राहु बैठे होंगे क्या? यहाँ भी ऐसे राहु होंगे, सरवाटे होंगे। असुर का असुर ही रह जाएगा, देवता नहीं बन पाएगा। ये बाबा कहते हैं कि ज्ञान लेने के बाद विष नहीं पीना। अगर घर में विष पीते रहे और यहाँ आकर के बैठ रहे, देखा भगवान जी क्या कहते हैं, ये भगवान जी क्या करते हैं, अंदर से अनिच्छा बुद्धि है और बाहर से दिखा रहे हैं कि हम ज्ञान सुनने वाले हैं, ज्ञान के बड़े चात्रक हैं। तो ऐसे जो अनिश्चय बुद्धि आकर के बैठते हैं बाबा की सभा में, उनका सर काटा जाएगा। उनकी शरण में जो भी जाएंगे उनके ऊपर राहु की दशा बैठेगी। अभी तो है 15 मिनट है बृहस्पति दशा, बृहस्पति की दशा। बृहस्पति माने बड़ा और पति माने पति। क्या बृहस्पति माने बड़ा और पति माने पति? तो बड़े में बड़ा पति कौन है? अरे बृहस्पति है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होगा या नहीं होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, सारे विश्व का पति कोई होगा या नहीं होगा? विश्वपति होगा ना। तो विश्वपति होगा, उसकी दशा बैठे कैसे बैठेगी? उसके पास बैठेंगे, उसकी बात सुनेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार उसके बनेंगे, तो किसकी दशा बैठेगी? बृहस्पति की दशा बैठेगी। आप किसकी समझते थे? आप किसी और को समझते थे क्या? कैसे होना ये बृहस्पति दशा? तनी तनी दशा है होना, अच्छी दशा और बुरी दशा और मीडियम दशा। तो अच्छे से अच्छी दशा किसकी बैठेगी? बृहस्पति की बैठेगी। वो देवताओं का गुरु होता है। राहु की दशा सबसे खराब,
देखो दोनों इकट्ठे आ गए पूछने वाले राहुल के बारे में भी पूछ रहे ये लेफ्ट में और वो राइट में सूर्य सूर्यमुखी फूल सूरज के साथ साथ घूमता है। हाँ सन्मुख अभी सन्मुख की बात आई ना अभी कहानी में तो जो अंदर से और बाहर से बाप के सन्मुखी ही रहते हैं रावण से प्रमुख रहे सीता का एक चित्र दिखाते हैं क्या रावण सामने जाता था वो पीट कर देती माना रावण के सामने सीता ने देखा भी नहीं देखा नहीं। देखा भी नहीं रावण के विमुख रही और राम के सन्मुख रही तो सूर्य के सन्मुख रहने वाला कोई तो फूल होगा उसकी यादगार होनी चाहिए कि नहीं दुनिया में तो सूरजमुखी फूल है क्या हाँ जिधर जिधर सूरज जाएगा पूरब से निकलेगा तो पूरब की तरफ खिलेगा और वो घूमता चला जाता है दक्षिण में दिखाई पड़ेगा सूरज तो दक्षिण की तरफ मुख हो जाएगा पश्चिम में जब डूबेगा तो पश्चिम की तरफ मुख हो जाएगा फिर सवेरे को सूर्य उधर उदय होता है फिर वो घूम करके तब तक फिर उधर पहुंच जाता है बाबा कमल के फूल सबसे बड़ा फूल तुम क्यों कहा था कोई राज्य होता है ना छोटे बड़े राज्य होते हैं कि नहीं तो छोटे बड़े जो भी राज्य होते हैं उन राज्यों में कोई भी राज्य में सबसे बड़ा कौन माना जाता है बताओ कोई भी राज्य होता है उस राज्य में सबसे बड़ा कौन माना जाता है राजा तो किंग फ्लावर कहा जाता है कमल का फूल क्या कहा जाता है किंग फ्लावर रानी में और राजा में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है रानी को महलों के अंदर रखेंगे क्या जैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं सेफ के अंदर रखता हूँ क्या सुरक्षित करके रखते हैं और राजाएं क्या राजाएं अंदर महलों में रहते हैं या मैदान में जाते हैं लड़ाई लड़ने मैदान में लड़ाई लड़ने जाते हैं उनके ऊपर भाले तीर कमान सब फेंके जाते हैं कितने अस्त्र अस्त्र चलाए जाते हैं वो उनका मुकाबला करते हैं तो एक फूल ऐसा है जिसके ऊपर दुनिया के वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता और एक फूल उसके बिल्कुल अपोजिट है कमल का फूल कीचड़ में डुबो दो मड में और ऊपर निकालो एक भी बूंद नहीं रहेगी एकदम फ्रेश का फ्रेश दिखाई देगा और गुलाब का फूल कीचड़ में डुबो दो निकालो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तो ये रानी और राजा में ये अंतर होता है ये अंतर है दोनों आत्माओं में इसलिए तो रानी को कहाँ रखा हुआ है कौन सी रानी को जो बड़ी से बड़ी रानी है दुनिया की कौन है कहाँ रखा हुआ है सेफ में रखा है या रुद्रमाला के मणकों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं सेफ में रखा हुआ है और राजा चारों मजारे आते कर रहे भूतनाथ है ना बाबा तो मुरली में कहते हैं घूमने फिर ना तब कमल के फूल में और क्वीन फ्लावर में अंतर पता तो चल गया है क्वीन फ्लावर जो होता है कोमल होता है और कमल का फूल मुलायम होता है मुलायम नहीं कठोर होता है कठोर होती है इतनी कठोर होती है कि
तोड़ने के बाद कमल का फूल महीने भर तक रखा रहने दो, कुमलाता नहीं है। और गुलाब का फूल एक ही दिन में कुमलाना शुरू हो जाता है। शिवरात्रि के दिन में शिवरात्रि के दिन में शिव बाबा को भूतनाथ का कर्दोराशी व्यंजन खिलाते हैं ना, तो रस्म होता है यहाँ पर दक्षिण मुंह पर जो शिव का दक्षिण मुंह है वहाँ पर चौराशी व्यंजन लगाता है। वो क्या है उसका शास्त्र में क्या है? चौरासी जन्म है ना, कहाँ से आए? हो गया